फ्री में सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल विनय साहू को और दबाइए इस बेल आइकन को लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो गाइस यह है भौतिक विज्ञान कक्षा 11वीं इन फिजिक्स का भौतिकी का, तो सब देख लो जो भी उत्तर है। उत्तर क्रमांक एक, तो आकर्षी तनाव और पृष्ठ तनाव बल ए बल बटे क्षेत्रफल सी स का -45 डिग्री आकर्षी कुल यांत्रिक ऊर्जा ई एड बी क्यू डी। तो गाइस आप स्क्रीन शॉट वगैरह भी इसका ले सकते हैं चाहे तो, ठीक है ना। और क्लियर ना दिख रहा हो टॉप राइट हैंड कॉर्नर में 3 डॉट पर क्लिक करके वीडियो क्वालिटी इंप्रूव कर लें, 480 पिक्सल्स प्लस कर लें तब वीडियो क्लियर दिख रहा। प्रेस क्रमांक दो, उत्तर क्रमांक दो यानी 4 द्रव्यमान केंद्र विस्थापन प्रकाश की किरण व प्रकिरण 1930 ई है 10^-6 एम्पीयर। उत्तर क्रमांक तीन है मंदन का मात्रक, पेपर में प्रयोग मैंने प्लॉट कर दिया, उत्तर बता रहा है मंदन का मात्रक m/s² एक समान गति एक कण की गतिज ऊर्जा अक्षर होती है। रॉकेट नोदन संवेग संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है। स्प्रिंग नियतांक का मात्रक है N/m। पांचवा गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, तो इसको देख लो, इसके सामने हमने सब कुछ आंसर लिख दिया है MgH। ठीक है गाइस, ये तीसरा हो गया आपका उत्तर क्रमांक। तो वीडियो को पूरा देखें क्योंकि इस वीडियो में पूरा सभी प्रश्नों का आंसर है, सॉल्यूशन है हल। ठीक है, तो ये रहा आपका प्रश्न क्रमांक तीन, इसको चाहे स्क्रीनशॉट वगैरह भी ले सकते हैं, ठीक है ना। तीन के बाद देखिए फिर प्रश्न क्रमांक चार यानी उत्तर क्रमांक चार, तो किलोग्राम, दूसरा है त्वरण -c वेग 0, तीसरा -mg जूल, चौथा वृत्तीय गति, पांचवा है 0.6 वाट। ये आप देख सकते हैं प्रश्न क्रमांक चार का उत्तर है, ठीक है ना गाइस। कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है ना। और किसी सब्जेक्ट के जो भी जो चाहिए चीज़ें तो कमेंट करके बता सकते हैं। पाँच के देखिए हल है ना, इस वाली वे पर 0 t/3 सेकंड, ठीक है ना। इस वाली बराबर 10, ओके एम ए और बैग परिवर्तन मटे समय फार्मूला वगैरह लगा दी गई और इसको जो तो सॉल्व कर दिखाया गया है। उत्तरकांक छः, किस समय अंतराल ने वृत्ति पथ पर घूमते हुए कण के तेजी वेक्टर द्वारा वृत्त के केंद्र पर छू गई, उनको आप कर लें एक बार, ठीक है। साथ में देख लें आप फिर न्यूटन गुरुत्वाकर्षण नियम, इस नियम के अनुसार दबाव का प्रत्येक कण प्रत्येक दूसरे कण को एक बल द्वारा अपनी ओर आकर्षित करते हैं। बल दोनों कणों के द्रव्यमान का अनुक्रमण पति तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के प्रति होता है, यानी फार्मूला देख लो। हाँ एफ ये डुक लो, उत्तर क्रमांक आठ है फिर, है ना। जैसे आप मिलान कर ले एक बार कि कौन से प्रश्न का कौन सा आंसर है, पेपर भी हमने अपलोड कर दिया है तो उसको भी देख लिया और प्रश्न लिख लिया और उत्तर भी लिख लें, ओके ठीक है। फिर गाइस प्रश्न क्रमांक दस आप देख लो, 9 के बाद में बात कर लेंगे, ठीक है ना, आगे वीडियो में कहीं होगा, ठीक है। थोड़ा देख लो क्रम से अब बना लेना, ठीक है ना, बाकी बना तो एक क्रम से ही है बट थोड़ा इधर उधर, ठीक है ना। तो सब देख लो आप, ठीक है। इसी उत्तर को अंक 11 है, अदिश राशि कौन सी है, आयतन चाल द्रव्यमान घनत्व छंडना था, सदिश राशि कौन सा वेग विस्थापन कोणीय वेग, ये सब कोणीय आवेग त्वरण, ठीक है गाइस। तो ये हो गया प्रश्न अंक 11, फिर वो क्या बोलते हैं 11 नहीं है, जिसका भी आंसर होगा देख लेना,
ठीक है, घर्षण कोण, द्रव्यमान कोण की परिभाषा लिखिए। ये 15वें का, ठीक है देख लेना, अपने से मिला लेना कौन से प्रश्न का कौन सा आंसर है। घर्षण कोण के द्रव्यमान कोण बराबर होते हैं। तो घर्षण कोण वह कोण है जो घर्षण बल तथा विलंब प्रतिक्रिया का परिणाम है। इसी तरह फिर 13वें का है, यदि किसी सरल लोलक का आवर्तकाल कैपिटल टी तो लोलक की प्रभाव करे तो ये व्यंजक वगैरह है, ठीक है ना। सर लोलक का आवर्तकाल कैपिटल टी बाई टू बाई है ना तो रूट वन बाई टू, ठीक है गाइस। तो एक बार आप देख लें ये सब कुछ 12 है। फिर है ना, बाकी का ये है 17वां, ठीक है। सत की स्थापना यह समझोग है, यह 17 नंबर, ओके। ये 18 बालाघूम का जड़ता घूमता कोणीय त्वरण से संबंध, लेसन ऑफ टॉर्क विथ मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ना। ये जो आगे है कार्य ऊर्जा प्रमेय क्या है, इसे असल में प्लेस कीजिए, इसको यह देख लें गाइस। तो ये सभी काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में भी आ सकते हैं, जो फाइनल एग्जाम पेपर होगा। इसलिए सभी प्रश्नों को पर आप जरूर से हल करें, सॉल्व करें और देखें कि क्या क्या आंसर आ रहे हैं, ठीक है गाइस। फिर और देख लें सब कुछ इसमें मैं दिखाने वाला हूँ, तो ये एक बार आप जरूर से कर लें, ठीक है। ठीक है ना,